साल की तरह इस साल भी भारतीय सिंधु सभा नवरात्र पर्व पर भव्य गरबे का आयोजन करने वाला है, जिसका प्रशिक्षण यहाँ सिंधी धर्मशाला में दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये जितने भी लोग खड़े हुए हैं, ये सभी कंटेस्टेंट हैं जो गरबा, जिस दिन उनका गरबा होना है, फाइनल प्रोग्राम जिस दिन उनका होना है, तो ये सभी कंटेस्टेंट उस दिन अपना प्रोग्राम करने वाले हैं। हमारे साथ मनीषा रोहाणी जी जुड़ी हुई है, हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो पिछले कितने सालों से नवरात्र पर्व पर ये गरबे का आयोजन कर रही हैं। नमस्कार मनीषा जी, हमारे चैनल पल पल इंडिया में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आपका ये जो प्रोग्राम चल रहा है भव्य गरबे का, तो ये आप कितने सालों से करा रही हैं? मैं ये पिछले 14-15 सालों से करवा रही हूँ गरबे का ये महोत्सव। और ये केवल गरबा नहीं रहता है नवरात्रों में, हमारा ये दशहरे के दिन होता है, इसलिए मैं इसको भव्य दशहरा गरबा महोत्सव कहते हैं अपन। और इसमें हमारी पूरी जो एक संस्कृति रहती है रामायण की, और इसमें जो इसमें विजय असत्य पर सत्य की जीत का इसमें संदेश कैसे है, या हमारे जो भारत देश के प्रति प्रेम सत्यता को लेकर हमें कैसे अपने जीवन को ढालना चाहिए, बच्चों के अंदर ऐसी प्रतिभाओं का जो रहता है उनमें किस प्रकार का जन्म होना चाहिए, हम ऐसी संस्कृतियों को त्योहारों को इसमें शामिल करते हैं। गरबा के हमारी पूरी वैरायटी रहती है, पूरे देश की, जो इसमें मराठी हो, बंगाली हो, लावणी और घूमर, सिंधी गरबा, पंजाबी गरबा, इसमें सभी हम लोग शामिल करते हैं। जैसे चंचलाबाई कॉलेज के बच्चे हैं, विदामबाई स्कूल के बच्चे हैं, भातखंडे के बच्चे हैं, तो ये जो हमारा महाकौशल संस्था जो चलती है, शिक्षा प्रसार समिति है एक, इन ये एक बच्चे जो हैं वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, इनकी ड्रेस से लेकर बैग स्कूल की और ये जो रहती है रिक्वायरमेंट रहती है, इनको अपन पूरा करते करते इसके साथ साथ हम लोगों ने इनको गरबा का भी वर्कशॉप फ्री देते हैं और इनका हम लोग कॉम्पिटिशन करवाते हैं, ताकि ये भी बच्चे प्राइज जीते और इनके अंदर भी मनोबल आए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और इनको प्लेटफॉर्म मिले कि हमारे अंदर जो प्रतिभा है वो हमारी अकारती नहीं है, हम भी किसी लायक बन गए और हमें भी प्राइज़ मिले, शील्डें मिली, सर्टिफिकेट मिले, बड़े बड़े प्राइज़ मिल रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये संस्था पूरा काम करती है। हम लोग हर साल यहाँ गरबा करते हैं और हमारे जो विप्लव सर हैं बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हम लोग को रहता है कि बहुत हर साल हम लोग को अच्छा सिखाएं, बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और कोरियोग्राफी बहुत अच्छे से करवाते हैं, तो हम लोग उनके साथ गरबा करते हुए बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत ही अच्छा वो डांस सिखा रहे हैं, गरबा करवा रहे हैं। तो जो आपके कोरियोग्राफर हैं जो वो आपको स्टेप सिखाते हैं, तो जैसे कुछ स्टेप होते हैं जो हमें सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है, तो उसको लेकर के कैसा लगता है आपको? वो एक एक चीज़ को इतनी अच्छे से सिखाते हैं कि हम लोग को कभी परेशानी ही नहीं होती है, इतनी हम लोग ईजी सीख लेते हैं स्टेप्स, बार बार हम लोग को मतलब काउंटिंग से और बार बार हम लोग को मतलब ध्यान दे के एक एक स्टेप्स पे कि आप ऐसा करो ऐसा करो, बहुत अच्छे से ही ध्यान दे के हम लोग को सिखाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है, मैं तीसरी बार पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मैं इस क्लब की मेंबर भी हूँ। मनीषा दीदी हम लोग को बहुत इनकरेज करती हैं और अच्छे अच्छे मैसेजेस डालती हैं, जिससे हम लोग एक्साइटेड होके आ ही जाते हैं। तो ये थी मनीषा रोहाणी जी, जिन्होंने हमें बताया कि उनका जो गरबे का जो प्रोग्राम होने वाला है वो 24 अक्टूबर को होना है पुराने RTO कार्यालय में, जो उनका ग्राउंड है वहाँ पर काफ़ी भव्य तरीके से होगा, जिसे लेकर के इनके जो भी कंटेस्टेंट है वो काफ़ी एक्साइटेड है। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ काजल गुप्ता, देव पल पल इंडिया न्यूज़, जबलपुर।